खाना खाना खाया हुआ अभी? नहीं बोलो कुछ, खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया है खाना। नहीं थोड़ा सा और बोलो। आज खाना नहीं खाएंगे। सुना है ऑफिस का नया फ्लोर बन रहा है? बन रहा है। बन रहा है तो कितनी टीम बढ़ाने का इरादा है समीर भाई? इरादा तो बहुत बड़ा है। थोड़ा आगे आओ, पास आके बात करो। हाँ इरादा तो बहुत बड़ा है। अभी के लिए हम पहले 11-12 लोग थे कोविड से पहले, अब हम 35 लोग हैं। आई थिंक दिसंबर तक शायद 50 लोग हो जाएंगे। 50 हो जाएंगे और फिर 31 मार्च तक 100 लोग हो जाएंगे। आज ऑडियो के जिम्मेदार आप ही हो, मुझे कुछ नहीं सुन रहा। नहीं सुन नहीं रहा, उसमें बार तो रेज हो ही रहे हैं। यहाँ पे आके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो टीम का होना कितना जरूरी है। वो इधर से आके यही बोल के जाते हैं कि ऑडियो के जिम्मेदार आप हैं। Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. Samir bhai, kaisa lag raha hai? You have been, you have done your education in this region, hai na? Chandigarh region mein, jisko yes. kehte hain. Yes. Theek hai? And I am very happy to say and say it on camera, we are alumni of the same university. ठीक है, ये एक हमारा सबसे बड़ा कॉमन थ्रेड है। राइट, हम कभी एक दूसरे के साथ नहीं पढ़े और थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में पढ़े होंगे, पर ये है कि जब मिले तो हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर था हमारा, है ना। एंड लेट मी टेल एवरीवन कि वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ड्रिवन प्रोडक्ट ड्रिवन कोई कंपनी है पूरे चंडीगढ़ ट्राई सिटी रीजन में, तो वो है यू एंगेज। एंड एक बहुत ही बढ़िया अगर एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है विच टॉक्स अबाउट एवरीथिंग डैजलिंग एवरीथिंग ट्रेंडिंग इन द ट्राई सिटी रीजन, कुछ भी नई हैपनिंग्स हैं, इफ देयर इज एनीथिंग रिलेटेड टू फूड दैट वी नो एंड वी टॉक अबाउट, सो उसके लिए है शाउटलो, है ना। और इवेंट्स के लिए भी है शाउटलो, है ना। yes, कितनी चीजें हैं आप लोगों ने कवर कर रखी हैं, है ना। तो क्या इरादा है कि सब कुछ ही कवर कर लेना हमें? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा बहुत सिंपल है, हम यू नो एज ए टीम टेकीज है, हम डिजिटल मार्केटर्स हैं, तो हम जो भी करते हैं इन दो चीज़ों के अराउंड करते हैं। राइट, यस, चंडीगढ़ यू नो आई थिंक हमारे लिए थोड़ा इमोशनल कनेक्ट भी है, जो आई थिंक आइडियली चलो एक स्टार्टअप को नहीं रखना चाहिए एक रीजन के साथ, राइट, वो बिजनेस के लिए कई बार डेंजरस भी हो जाता है, बट यस शाउटलो हमारा एक वो इमोशनल कनेक्ट है ट्राई सिटी के साथ, चंडीगढ़ के साथ। सो व्हेन वी स्टार्टेड शाउटलो तो वी जस्ट केप्ट ऑन राइटिंग लोकल कॉन्टेंट, न्यू प्लेसेस, न्यू इवेंट्स, राइट। फिर धीरे धीरे हमने उसमें इवेंट टिकट लॉन्च किया, जैसे आप बता रहे हैं न्यू इवेंट्स होते हैं, फिर हमने उसके बाद डिस्काउंट्स लॉन्च किए, अभी लास्ट मंथ हमने उसमें शाउटलो प्रीमियम लॉन्च किया है, राइट। तो पहले क्या होता था, हम सिर्फ 5-स्टार के बुफेज देते थे, आज की डेट में शाउटलो प्रीमियम के थ्रू आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे आपको पूरे मेन्यू पे फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है। यस, तो शाउटलो का जर्नी ऐसे बढ़ रहा है, राइट, ठीक है। आज के में चंडीगढ़ है और होपफुली बाय मार्च आई थिंक हम 3 सिटीज और ऐड करेंगे। समीर भाई, मैंने ये जाना है कि यूएनके जब स्टार्ट किया, जैसे चंडीगढ़ से स्टार्ट किया, अब मुझे पता है कि मुझे लोगों के फोन आते हैं बैंगलोर से, अहमदाबाद से, यू ग्रोन आउट सो मेनी सिटीज इन इंडिया, राइट, मतलब यहीं से हमने स्टार्ट किया, राइट। इसीलिए तो मुझे अपने दोस्तों पे इतना प्राउड फील होता है कि यू नो वही इन द टर्म्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट, जो कि जब ये लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो यहीं चंडीगढ़ में बैठे बैठे मैं उस दिन आपके जो बिजनेस हेड है उनसे भी बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हम यहीं से डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। यस, वी विल नॉट मूव आउट, वी विल क्रिएट डिमांड हेयर ओनली एंड लेट अस डू बिजनेस फ्रॉम हेयर ओनली, ना। यस, और ये मैं सभी इमर्जिंग कंपनीज के लिए भी कह रहा हूँ, अगर आपके प्रोडक्ट में, आपकी लीडरशिप में, आपकी इनोवेशन में, आपकी आपके प्लान्स में, आपकी सपोर्ट में, आपके सर्विस और आपकी टीम में, इन सब चीज़ों में मिला के अगर दम है तो आप कहीं भी पूरे इंडिया में बैठ के आप काम कर सकते हैं। मेरे सामने है सक्सेस स्टोरी, आप देख रहे हैं RFE Unplugged Rolling Frames Entertainment पे। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और आज मेरे साथ हैं समीर शर्मा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ यू एंगेज एंड शाउटलो भी।
यस शाउट लो भी है ना. तो समीर भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम गैप आपने क्या अंडरस्टैंड की, खासकर मैं हम यू एंगेज के साथ आई रिमेम्बर वी डिड अ कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग कैंपेन ऑल्सो विद यू. सो देर वॉज अ टाइम वेन वी वर टॉकिंग बिफोर मार्च 2020 एंड देन सडनली थिंग्स चेंज्ड आफ्टर मार्च 2020 ऑल टुगेदर. आई रिमेम्बर कि पंजाब में कोवा ऐप भी शुरू हुई थी, दैट ऑल्सो यू हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी टू देम एज वेल एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टूवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने फुलफिल की, इनकी पूरी कंपनी ने फुलफिल की. और क्या पहले क्या सिनेरियो था और आज आपके आपका जो मेन मार्केट प्लेस है उसके सिनेरियो में क्या डिफरेंस है? ओके सो बेसिकली देखो आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता भी है बट आपके दर्शकों को बताओ. हाँ सो मैं एक बड़े छोटे से टाउन से आता हूँ, दीनानगर, राइट जी, ठीक है, बॉर्डर एरिया टाउन है, राइट, ठीक है. वहाँ पे मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स और जो सिटी के लोग हैं वो यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाते जा रहे हैं, राइट, ठीक है, आईलेट्स करते हैं एंड नो हार्म, राइट, ठीक है. बट उसका रीज़न ये भी है कि उस रीजन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जाना पड़ता है, राइट, ठीक है. मेरे को भी निकलना पड़ा, मैंने इंजीनियरिंग किया चंडीगढ़ से, चितकारा से, राइट, ठीक है. मैंने HCL में जॉब की, करियर वहाँ से शुरू किया. आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, आई नेवर शाय अवे फ्रॉम दैट. आई गॉट टू वर्क इन सिलिकॉन वैली इन वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माय करियर, राइट, ठीक है. बहुत अच्छा एक्सपोजर था, राइट, ठीक है. एंड बट बैक ऑफ द माइंड मैं हमेशा वापस आना चाहता था. मेरे दिमाग में ये जो स्टोरी है कि बहुत सारे लोग जब बाहर जाते जा रहे हैं तो इन शहरों में क्या हो जाएगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है सब कुछ ठीक चलता रहे, बट मेरे को लगता है कि हमें ही अपने शहर संभालने हैं ना, हमें उनमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है ना, राइट, ठीक है. लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि आप क्या आप ठीक हो, मैं बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो, कहते आप सिलिकॉन वैली में बैठे थे 2008 में भी, 2010 में भी, वापस आ गए, लोग तो उल्टा वीज़ा ढूंढ रहे वापस जाने के लिए, राइट, ठीक है. फिर आपने कंपनी बेची, यू गॉट टू वर्क विद यू नो इन बैंगलोर जो इंडिया का सिलिकॉन वैली है, देन यू गॉट टू वर्क विद पेटीएम, ये फिर से आप चंडीगढ़ वापस आ गए, ये क्या है, राइट, ठीक है. ऐसे कि ठीक है, यू नो ऑनेस्टली लाइक आई सेड यू नो गॉड हैव बीन काइंड, गॉड हैज बीन काइंड, राइट, आई गॉट टू वर्क विद यू नो सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन द इंडस्ट्री. बट मेरा वो पर्सनल गोल तो नहीं है ना, राइट, ठीक है. मेरा पर्सनल गोल तो आई थिंक मैं मेरा विजन वो अभी भी वही है जो बहुत साल लग जाएंगे अचीव होने में अभी, कि क्या हम इस रीजन से कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्या हम वो चीज़ फिर से मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कैनेडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, US जाना है, राइट, दिस इज़ ए होम टाउन, दिस इज़ ए होम सॉइल, राइट, आप यहाँ से बड़ा कुछ कर सकते हो, राइट. अगर मैं यहाँ से वहाँ जाके कर सकता तो मैं यहाँ से क्यों नहीं कर सकता हूँ. येस देयर आर चैलेंजेस, राइट, पीपल से कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, ओके, ठीक है, पीपल से यहाँ पे जो आप मान जाते हैं इन बातों को, नहीं मैं तो नहीं मान पाता, देखो मैं वही कह रहा हूँ पीपल से, मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट, ठीक है, कि अगर ऐसा होता तो शायद मैं कब का यहाँ से जा चुका होता, राइट, ठीक है. प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और उसका रीज़न भी है कि लॉट ऑफ गुड टैलेंट जस्ट गेट्स अट्रैक्टेड टू कंपनीज इन बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर. डू दे गेट अट्रैक्टेड टू द कंपनीज और हायर सैलरीज? दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स है, राइट, ठीक है. बट दैट इज यू नो आई थिंक कोविड हैज़ बीन ब्लेसिंग दिस गाइज इन दैट वे, बिकॉज वो 5 मेट्रोज जो हैं हमारी कंट्री में उनका डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गया. दैट इज समथिंग आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट फॉर ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स जब से मिले हैं, आई थिंक. यस. मेरे को लगता है कि इंडिया जितनी बड़ी कंट्री है, जितना पॉपुलेशन है, वो 5 शहर अब 70 साल की आज़ादी के बाद उसको केटर नहीं कर सकते. करेक्ट, राइट, ठीक है. हमें बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट सिटीज चाहिए इंडिया में कि जिनका एक अपना माइक्रो इकोनॉमी है, राइट, ठीक है, जो कि रेस्ट ऑफ द इंडिया को बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, राइट, ठीक है. गवर्नमेंट का भी फोकस है काफी रहा है, तभी इतने सारे एयरपोर्ट्स प्लान हुए हैं, राइट, ठीक है, हाईवेज बने हैं, राइट, इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ है, राइट, ठीक है. अब जब सब कुछ इतना हो रहा है, मेरे को नहीं लगता है कि वाई नॉट कि टैलेंट अपने शहरों में क्यों नहीं रुकना चाहेगा, राइट. वी आर सेटिंग इन 2021, राइट, इंटरनेट है, आप अपने घर से काम कर सकते हो. अगर आप अपने घर से एक बहुत बड़ी फॉर्चून 500 कंपनी के लिए काम कर सकते हो, right. तो आप अपने लिए काम क्यों नहीं कर सकते हो जी, राइट, ठीक है. तो मेरे को लगता है वो आइडियोलॉजी और ज्यादा वैलिडेट होगी, और ज्यादा स्ट्रांग होगी, राइट, ठीक है. जब ये सारा कुछ पिछले 18 महीनों में हुआ है, तो वी आर वेरी फोकस्ड ऑन दिस, वी वॉन्ट टू कीप ऑन बिल्डिंग आवर टीम फ्रॉम दिस एरिया इटसेल्फ. चंडीगढ़, इस पूरे रीजन की, जब हम पूरे ट्राई सिटी एरिया की बात करते हैं, सबसे खास बात आपको क्या लगती है
why you chose this place, why you choose to live here, why you choose to bring out two beautiful companies out here only, who are doing extremely well, the team is expanding, and you finding people right here. Yes, yes. So, क्या वो कुछ दो तीन सॉलिड वजहें हैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ। देखो सॉलिड वजह तो वही है, चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी, नो डाउट अबाउट इट, राइट। ठीक है, ट्रैफिक बड़ा है, अगेन येस दैट्स अ नेगेटिव साइड, बट अभी भी आप देखो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवरऑल जो चीज़ें उनको बड़ा अच्छा ब्यूटीफाई करके रखा हुआ है, बड़ा अच्छा कंटेन करके रखा हुआ है, राइट। ठीक है, 15-20 मिनट के डिस्टेंस में सबको मिल जाता है। कई लोग कहते हैं अच्छा ये तो डाउन साइड भी है, राइट। ठीक है, दैट मीन्स कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम है, राइट। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि येस, अगर आप सिर्फ इसी मार्केट पे डिपेंडेंट हो तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम है, राइट। आप यहाँ शुरू कीजिए, आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए, राइट। यहाँ पे आप लोकल बिजनेस को इवॉल्व करने में हेल्प कीजिए, एंड देन लाइक वी ऑल्सो हैव क्लाइंट्स इन 137 सिटीज नाउ, राइट। ठीक है, सो दैट इज अचीवेबल। सो चंडीगढ़ का देखो एक अपना ही बहुत वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अमेजिंग है, राइट। सो और आई थिंक आई एम एलिजिबल टू से इट, राइट। ठीक है, मैं अपनी स्कूलिंग के बाद 14 अलग अलग शहरों में रहा हूँ, इंडिया और बाहर। 14 ये वो है जहां मैंने कम से कम 6 महीने बिताए हैं, राइट। ठीक है, मैं सिर्फ विजिट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक आई एम एलिजिबल टू से कि चंडीगढ़ यू नो इज अमंग द टॉप रैंकिंग सिटी मेरे हिसाब से। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अमेजिंग है। आई थिंक हमारे पूरे सीजन का 5वां या 6ठा एपिसोड होगा, आप काउंट कर लेना, जिसमें चंडीगढ़ टॉप पे आ जाता है। मतलब ये पूरा रीजन हम बोलते हैं, राइट, नॉट जस्ट चंडीगढ़, पूरा ट्राई सिटी रीजन, ये टॉप पे मार्क करता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारी क्वालिटी इंडेक्स है, वर्क अपॉर्चुनिटीज, ग्रोइंग ग्रोथ। तो वहाँ जो सैचुरेटेड सिटी है, वहाँ स्कोप ऑफ ग्रोथ मेरे भाई आई फील कम रहता है, और जहाँ पे जो इमर्जिंग सिटीज हैं वहाँ नेचुरली एवरीथिंग इज कमिंग अप ज्यादा है। मुझे भी बड़े लोग पूछते हैं यार आप फिल्में बनाते हो, आप बॉम्बे क्यों नहीं हो, अब यहाँ तो सेम रीजन, राइट राइट, सारे बॉम्बे जा रहे हैं तो यहाँ तो कोई है नहीं, तभी तो मैं यहाँ हूँ। देखिए मतलब मेरे को कई बार ये भी लगता है कि देखो हर जनरेशन के ना कुछ कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, राइट। ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट मेरे लिए भी यही होता कि मैं भी बैंगलोर चला जाता, मैं रहा भी हूँ, मैं वापस आया हूँ, राइट। ठीक है, और मैं आज भी जा सकता हूँ, राइट। ठीक है, बट मेरे को वो लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ नहीं जाना है, राइट। ठीक है, क्योंकि देखो हमारी भी एक जनरेशन दो जनरेशन पहले बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो आज ये शहर और ये स्टेट अभी भी थ्राइविंग है, राइट। ठीक है, अगर हम लोग भी उस चीज को लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे, सारे भागते जाएंगे, तो अगले 20 साल में क्या होगा, राइट। ठीक है, आप किसको ब्लेम करोगे, राइट। ठीक है, आप किसी एक नेबरिंग स्टेट को तो नहीं कह सकते, राइट। ठीक है कि ओके यू नो हमारा स्टेट इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, दैट विल बी वेरी इलॉजिकल थिंग टू से, राइट। ठीक है, तो वी बीइंग सिटीजंस ऑफ दिस स्टेट एंड दिस रीजन, देखो हम लोगों ने इसको बिल्ड करना है ना, राइट। ठीक है, तो वो मेरे को लगता है उसमें बिल्कुल, अगर कोई बोले इमोशनल रीजन है, बिल्कुल इमोशनल रीजन है, ठीक है, उसके पीछे क्या रैशनल है, बिल्कुल रैशनल भी है, इस चीज को क्या क्रैक किया जा सकता है, आई बिलीव बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है, राइट। ठीक है, तो इजी जर्नी है, नो इजी जर्नी नहीं है, राइट। ठीक है, बट समबडी हैज टू टेक इट अप। जी समीर भाई, ये बताओ कि यू एंगेज बिजनेसेस को कैसे एम्पावर कर रहा है, कैसे उनको इंडिपेंडेंट बना रहा है, रेवेन्यू जनरेटिंग बना रहा है, थोड़ा सा हमें बताओ। और अगर अगर और भी बहुत सारे बिजनेसेस और हमारे ऑडियंस में से कुछ लोग हैं अगर वो देख रहे हैं, वो क्या है यू एंगेज जो खास कर रहा है, वो बताइए। राइट, सो देखिए, देखो एज ए कंपनी आपने नोटिस किया है कि हम थोड़े से आई थिंक बाय डीएनए वी आर अ वेरी रिबेलियस कंपनी, राइट। ठीक है, लोगों ने बोला नहीं यार आप यू नो किसी और बड़ी मार्केट में काम करने नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा कोर आइडिया भी है ना, वो भी एक सिमिलर यू नो रिबेल से जुड़ा हुआ है, राइट। बिकॉज देखो इंटरनेट हैज हैपेंड इन इंडिया, राइट। ठीक है, 10-12 साल हो गए हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, आज जल्दी गया था, आई मीन के जब मास स्केल पे जाना शुरू हो गया, राइट। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स हैव इवॉल्वड इन यू नो आर कंट्री, राइट। ठीक है, डिवाइसेस सस्ते हो गए हैं, डिवाइसेस पावरफुल हो गए हैं, राइट। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें गांव तक पहुंच गई है, सिर्फ मेट्रो में नहीं रहेगी, राइट। ठीक है, स्पेशली पिछले 2 साल में पोस्ट कोविड इंडिया में बहुत सारे फर्स्ट टाइम डिजिटल ट्रांजैक्टर्स बन चुके हैं बिकॉज ऑफ UPI, बिकॉज ऑफ बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट। ठीक है, सो जब ये इतना यू नो डेमोक्रेटिक वे में सारा कुछ हुआ है, राइट। ठीक है, तो यू नो उसका जो लेवरेज है, उसका जो अपॉर्चुनिटी है इतना डेटा गैदर करने का, वो सिर्फ कुछ फंडेड स्टार्टअप्स को, कुछ फंडेड जो एग्रीगेटर्स उनको ही क्यों मिले,
Correct. Right, that is an underlying ideology that we don't want to accept. Right, right? You know, so that's how you engage came the picture. We said, okay, आप लुधियाना का वे छोटे से गांव में दो जनरेशन से एक स्वीट शॉप चला रहे हो जी, राइट, ठीक है, बट नाउ सडनली यू आर फीलिंग डिस्कनेक्टेड कि यार ये तो इंटरनेट आ गया, हमारा क्या होगा जी, राइट, ठीक है, यहाँ कल को एक एग्रीगेटर आएगा वो सारा शेयर ले जाएगा, या कल को उनके गांव के पास एक क्लाउड किचन खोल लेगा टेक्नोलॉजी की वजह से और उनका सारा शेयर ले जाएगा. हम कह रहे हैं ये इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी को दी जा सकती है, बहुत ईजिली दी जा सकती है, राइट, ठीक है, और वो जो एक नोशन बना दिया गया है कि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, राइट, ठीक है, एक छोटे शहर से कोई बंदा आके उसको अपना बना नहीं सकता, वो बहुत लॉजिकल है, राइट, दैट इज वेयर वी कम इन द पिक्चर. कोई भी एक छोटा शहर है, बड़ा शहर है, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, स्पेशली रेस्टोरेंट्स हमने एक कैटेगरी चुनी है, बट यस, हम बाकियों से भी काम करते हैं, रिटेलर से भी काम करते हैं. हम कह रहे हैं कि ओके, ये डिजिटल वेव है जो 2021 में है, जहाँ पे इंटरनेट आ गया, UPI आ गया, अच्छे डिवाइसेस आ गए, यूजर अवेयर हो गया, बहुत अच्छे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स खड़े हो गए, राइट, ठीक है, तो ये सारा कुछ आप खुद भी यूटिलाइज कर सकते हो. आपको सिर्फ बहुत 20% 25% कमीशन देके एग्रीगेटर पे डिपेंड नहीं होना है, राइट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वो जो डेटा है जो एग्रीगेटर शेयर नहीं करते हैं, आर मूवमेंट इज कि हम वो डेटा उस शॉपकीपर के पास रखना चाहते हैं. हम कह रहे हैं कि ओके ओजस्वी, आप एक पर्टिकुलर शॉप के पास जाते हो, पिछले 15 साल से जाते हो, आप उनके कस्टमर हो, राइट, ठीक है, व्हाई सडनली यू शुड स्टार्ट गोइंग थ्रू एग्रीगेटर, राइट, राइट, ठीक है, आप एज ए न्यू एज कस्टमर आप कहते हो यार मैं तो एक डिजिटल ट्रांजेक्शन करूंगा, राइट, ठीक है, लेकिन उस दुकान के पास डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं है इसलिए मैं वहां से जा रहा हूं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, अब इसके पास है, राइट, ठीक है, बड़ी उसके पास इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, राइट, ठीक है, एंड आप उसके कस्टमर हो, राइट, ठीक है, और उस ओनर का पूरा राइट है कि उसका डेटा और आपका डेटा आपस में रहें, एक थर्ड पार्टी के पास ना जाए. Exactly. नहीं तो 5 साल में क्या सिनेरियो होने वाला है कि वो शॉप का डेटा जाए जा रहा है. लॉयल्टी बाइंग जो आप कह रहे हो ना, लॉयल्टी वो जो है, यस, वो दुकानदार के अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, नहीं तो, राइट, ठीक है, वो एग्रीगेटर पे इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो डेटा इतनी जगह चला जाएगा, राइट, ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इट. मैं नाम नहीं लूंगा, बट देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स हुए ट्राइड इट, कि उन्होंने एक शहर में जाके देखा कि इस पर्टिकुलर पिन कोड पे इस GPS रेडियस में ये ज्यादा आइटम्स बिकती हैं, राइट, ठीक है, उस एग्रीगेटर ने अपनी क्लाउड किचन खोल ली वहां पे, राइट, ठीक है, सो डेटा बिल्ड हुआ था एक पुराने रेस्टोरेंट की वजह से, राइट, ठीक है, उससे कमीशन भी लिया गया, उससे डेटा भी लिया गया और उसका एक लोकल कॉम्पिटिशन अपने नाम पर खड़ा कर दिया. और ये इन बिजनेसेस को पता भी नहीं है, पता भी नहीं है, दैट इज, दैट इज इन कंटिन्यूस एजुकेशन वी वांट टू कीप ऑन इम्पार्टिंग. इंडिया जितनी बड़ी कंट्री है, जितनी डिवर्स कंट्री है, राइट, वहां पे कभी ऐसा नहीं होने वाला कि ओवरनाइट कोई एक बिजनेस मोनोपोली कर सकता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट, लेकिन वो जो डिवर्सिटी है वो बनी रहनी चाहिए, राइट, ठीक है, वो जो लोकल ओनरशिप है शॉपकीपर की वो बनी रहनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है. समीर भाई, मैं एक बड़ा एक नूब सा सवाल पूछूंगा, मतलब मैं आई एम पार्ट ऑफ द ऑडियंस ओनली, हमारे दर्शकों को सब मालूम है. मैं पूछूंगा कि आपसे कि असली जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की वेव आई है वो क्या 2017 डिमोनेटाइजेशन के बाद उठी थी या अब ज्यादा उठी है? देखो, या मेजर जो कहते हैं हम, मेजर जो शिफ्ट आया था वो 2016 नवंबर दिसंबर में आया था या 2020 अप्रैल से आया? सो मेरे को लगता है कि 2010 से लेके 2021 तक पूरी डिजिटल वेव चली है, राइट, ठीक है, यस, 2016 ने उसने पहला नाइट्रो बूस्ट दिया, राइट, 2020 कोविड में जब सारे हम घर पे रुके हुए थे उसने उसको सेकेंड बूस्ट दिया, अदरवाइज स्टोरी 2010 में शुरू हो चुकी थी, राइट, ठीक है, पर लोगों को थोड़ा सा ना ई वॉलेट में पैसे डालना, ये डालना, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं थे, नहीं आते थे, आई मैं भी तभी कह रहा हूँ, मैं तभी 2010 जनरेशन नेक्स्ट लेवल जो कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है नाउ इवन ये दे नो कि गूगल पे से पैसे भेजे जा सकते हैं या आपने ई वॉलेट, यू हैव वर्क विद पेटीएम, राइट, सो एंड नाउ यू हैव इंटीग्रेटेड ऑल द वॉलेट्स इनटू योर सॉफ्टवेयर एज वेल, राइट, तो अब मेजॉरिटी जो बिजनेसेस आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो स्मॉल टाइम रेस्टोरेंट्स, स्वीट शॉप्स एंड ऑल दीज जिनको आपने टेक्नोलॉजी से एम्पावर किया है, राइट, इनका रिस्पांस कैसा है, वो आपसे क्या बातें करते हैं? देखो, वो हमारे से ही बातें करते हैं कि धीरे धीरे फर्स्ट ऑफ ऑल वो अब टेक्नोलॉजी का जो स्ट्रेंथ है उसको समझते हैं. विद टाइम उनको ये भी समझ आता है कि वो डेटा की ओनरशिप इज वेरी क्रिटिकल, राइट, ठीक है, ये पार्ट फिर भी थोड़ा सा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट, ठीक है. तीसरा, उनको ये भी पता है कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स
फ्यूचर छोड़ो, आज की दिन में ही वो सब कुछ है, राइट. आप डिजिटल पेमेंट्स के बिना आज के दिन में सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो मार्केट में, राइट. कंज्यूमर बहुत टेक सेवी हो गया है. आरएफई अनप्लग्ड की खास बात, कॉफी ऑन द टेबल. थैंक यू, प्लीज. थैंक यू. और बड़े अच्छे कोट्स हैं, पोर्ड माई सेल्फ अ कप ऑफ एम्बिशन, एंजॉय कॉफी एंड कैरी ऑन द कन्वर्सेशन. हाँ जी, मेरे को लगता है कि इंडिया की ये जो ग्रोथ स्टोरी है, ये एक डेकेड की ग्रोथ स्टोरी है. ये सिर्फ 18 महीने की या पोस्ट डीमोनेटाइजेशन नहीं है. Somehow I personally believe के ये पूरे major shift जो है, बस एक paradigm shift ही जो होता नहीं कि yes, yes. एकदम से ही रातों रात एक महीने में yes. 2-10-15 lakh यूजर एकदम से ग्रो करना. यस, पर आप ये देखिए कि 2016 तक वो प्लेटफॉर्म ही तो बनाया गया ना. एब्सोल्युटली राइट. वो 2010 से लेके 6 साल तक की वो मेहनत थी. मुझे याद था कि ई वॉलेट को बैंक्स ने रिकॉग्निशन नहीं दी थी जब तक एटीएम को कहा गया था कि नाउ यू डिक्लेयर योरसेल्फ एज अ बैंक बिकॉज आप करेंसी डिजिटल फॉर्म में होल्ड कर रहे हो. दैट इज ट्रू. सो यस, देखो होता क्या है कि बैंक्स हर इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट होते हैं. इंडियन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. ठीक है, एंड दे हैव बीन अराउंड फॉर डेकेड्स, राइट. ठीक है, उनको सडनली टेक से बहुत हीट फील हुआ है, राइट. ठीक है, उनको सडनली आउट ऑफ द प्लेस फील होना शुरू हो गया था, राइट. ठीक है, जब से यूपीआई आया है तो बैंक्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बढ़ गया, राइट. ठीक है, यूपीआई ने वो मैजिक किया है कि विच इज बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड. उन्हें ट्रेडिशनल बैंकिंग को सोर्स रखा, राइट. ठीक है, ट्रेडिशनल कंज्यूमर को इंटरफेस दिया, बट सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली दिया. दे केम अप विद देयर ओन एप्स, दे केम अप विद देयर ओन कोड्स, यूपीआईज एंड एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड वर्किंग सीमलेसली. यू कैन सेंड मनी फ्रॉम एनी UPI to any bank. Yes. बस नंबर किसी के थ्रू कुछ भी भेज सकते हैं. एंड यू नो इंडिया में स्पेशली यू नो ग्लोबली नोबडी वाज एक्सेप्टिंग इट कि ये इतना बड़ा फिनोमेना इतने स्केल पे कैसे एग्जीक्यूट हो गया, राइट. US हैज स्टार्टेड एक्चुअली स्टडिंग NCPI का UPI प्रोडक्ट एंड दे हैव एक्चुअली इन्वाइटेड कि शायद वो वहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाए. That is the kind of success they have achieved, right? And क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है which is called a very large user base. Population, considering population is an advantage to technology when कोई भी प्रोडक्ट मैक्सिमम लेवल पे बेचा जाना है, कोई भी सर्विस मैक्सिमम लेवल पे सब्सक्राइब की जाएगी या वन टाइम डाउनलोड अफोर्ड किया जाएंगे, right. तो अगर किसी को नंबर्स अचीव करने हो तभी तो यू सी एवरी ब्रांड, एवरी इंटरनेशनल ब्रांड sees India as the biggest market right now. बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तभी कह रहा हूँ ये एक्चुअली सच में हम कुछ फैक्टर्स को, लेकिन हम बात करेंगे हमारे अपने पूरे रीजन की वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज जो एंगेज के बारे में. ग्लोबल ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड जो मर्जी करें, बट वी हैव आवर ओन पीपल, हमारे अपने, वी आर स्किल्ड, वी आर लर्नड, हमने पढ़ाई की है, हमने अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, एम्पावरमेंट दी है. यू सी अ वेरी लार्ज एम्प्लॉय बेस आउट हेयर, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ आई वुड से 2021 एंड 2022 में आप देखिए. और आपको एक, मतलब मैं तो उसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ कहूँगा और फिर एक्सपोनेंशियल तो उसके अगले साल हो जाएगी. व्हेन यू नो व्हेन यू विल हैव लॉट ऑफ ब्रांच ऑफिसेज एंड विल कम कि हम मेरे हमारे ब्रांच ऑफिस, वी विल डेफिनेटली कीप ऑन एडिंग मोर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉफी आई जब टेबल पे तो मुझे याद है फूड. अब फूड के बारे में मतलब हमारी बात होती है, यू एंगेज हैज एम्पावर्ड लॉट ऑफ फूड फूड हाउसेस, जिसे कहें कि लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स, लॉट ऑफ. तो what is the मूल मंत्र बिहाइंड फूड, why you chose food, and मतलब I know we started with salons also, a lot of other places, but food is mere, the major has been the major. So देखो उस पर थोड़ा सा bias हमारा अपना भी है because this is a second startup. Cash cow है अपने. कैश काउ तो आई थिंक अब हमने विद टाइम उसको बनाने की कोशिश की है. बट यस, जब हमने शुरू किया था बिकॉज बीइंग ऑफकोर्स दिस सेकंड स्टार्टअप, हमारा पहले स्टार्टअप में ना वी हैव अगेन वर्क वेरी क्लोजली विद द फूड इंडस्ट्री. एब्सोल्युटली. तो उनके पेन पॉइंट्स, जो कंपनी थी जो समीर सक्सेसफुली फाउंडेड एंड वॉज ट्राइडील. यस, ट्राइडील है ना. सो ट्राइडील वॉज द फर्स्ट मेजर कंपनी जिसने मतलब समीर इज द फाउंडर ऑफ ट्राइडील गाइस. तो अगर आपने ट्राइडील से कभी भी कूपन्स खरीदे हैं इस रीजन में
सो ये दिस इज द ब्रेन ब्रेन बॉडी ब्लड एंड नॉट जस्ट अमीर एब्सोल्युटली द एंटायर टीम जो पूरे ऑफिस में यहां बैठी है वो अभी भी काम कर रहे हैं सारे. तो बेसिकली देखो ट्राइडील की वजह से ना हमारा थोड़ा सा उस इंडस्ट्री से कनेक्ट ऑलरेडी था, हमें उनके पेन पॉइंट समझ आते थे और हमने ट्राइडील बेची 2015 में. वी वर यू नो आई वाज हैविंग लीगल कॉन्ट्रैक्ट कि मेरे को 2018 तक उनसे जुड़े रहना था जी. राइट, इन द मीन टाइम इंडिया में काफ़ी एग्रीगेटर्स इवॉल्व होते जा रहे थे. राइट, ठीक है. एंड वेन एवर आई वॉज मीटिंग ओनर्स, सो उस टाइम पे वो कमीशन हार्डली 5% से शुरू हुए थे, करते 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 वो बढ़ना शुरू हो गए. इनफैक्ट जब हमने यू इंगेज शुरू किया था इंडस्ट्री में वो कमीशन 14-15% थे, विच वॉज स्टिल वेरी हाई. राइट, वो कमीशन आज की डेट में 25% क्रॉस कर चुके हैं. राइट, ठीक है. तो ऑफकोर्स फूड का एक तो हमारा जो पुराना कनेक्ट था दैट रीजन. राइट, टू बिकॉज लॉट ऑफ एग्रीगेटर्स ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द वर्टिकल, रीजन नंबर टू. रीजन नंबर थ्री ऑफकोर्स मार्केट साइज. देखो यू नो जब भी कोई वेंचर कैपिटलिस्ट डेक आते हैं या हमारे पास भी आते हैं. राइट, ठीक है. तो इंडिया की मार्केट को हमेशा ऐसे विजुलाइज किया जाता है कि बिलियन पीपल पॉपुलेशन, थ्री मील्स, तो 3 बिलियन मील्स का डेली का अपॉर्चुनिटी. ऑफकोर्स नॉट एवरी वन विल कम ऑन द एप्स ओवर नाइट. राइट, ठीक है. बट स्टिल यू नो अगर मैं कहता हूँ उसका 10% अपॉर्चुनिटी भी किया जाए तो इज अज मार्केट, इज अज मार्केट. राइट, एंड दैट मार्केट बिकम्स फ्रेश एवरी डे बिकॉज यू नो सबको खाना खाना है. और अभी तो इंडिया एज ए मार्केट यू नो एज ए जनरेशन हम फिर भी बहुत ज़्यादा खाना बाहर खाते हैं. राइट, ठीक है. हमारे पेरेंट्स इधर नहीं खाते थे, कभी कभार हमें बाहर लेके जाते थे. राइट, यूएस में, यूके में पीपल आर प्रैक्टिकली हैविंग you know they start with breakfast outside. Yeah, two meals for sure they are having. Right, that means one person having 14 meals at least per week outside. Right, so that's why abhi India mein wo jo growth explosion aana hai abhi to wo bahut dur hai. Right, so whosoever is part of this industry food delivery mein jaise to ghar khana ghar hi aa raha hai. Yes, but आई थिंक वैन शाउट लो जब आपने स्टार्ट किया था यूएंगेज तो डाइनआउट्स बहुत उसमें वॉज द हाई पॉइंट. इट वॉज अ हाई पॉइंट एंड कोविड ने ऑफकोर्स डिलीवरी को बूस्ट दिया है बिकॉज पीपल स्टिल वॉन्ट टू हैव गुड फूड आउटसाइड फूड लेकिन उनको बाहर जाना कंफर्टेबल नहीं था. दैट्स वाई द डिलीवरी हैज एक्चुअली यू नो बूम्ड इन इंडिया लास्ट टू ईयर्स. ऑल्सो अगर आप देखेंगे इंडिया में ना एक और जो मेजर शिफ्ट आ रहा है वो कल्चरली शिफ्ट आ रहा है. प्रॉब्ली आपके ग्रैंडफादर के टाइम में, मेरे ग्रैंडफादर टाइम में जॉइंट फैमिलीज होती थी. हमारे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कुछ हद तक न्यूक्लियर होना शुरू हो गया था बट इन आवर जनरेशन इट्स ऑलरेडी वेरी न्यूक्लियर. राइट, ठीक है. यू नो द कपल्स आर वर्किंग. राइट, हस्बैंड वाइफ दे बोथ आर वर्किंग. राइट, ठीक है. ऑफकोर्स इंडिया में हम मेड्स फिर भी यू नो एम्प्लॉय कर पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज बट स्टिल हमारा मूविंग फॉरवर्ड ये पैटर्न डेफिनेटली ग्रो करता रहेगा कि उन 3 मील्स में से हमारे भी नंबर ऑफ मील्स बढ़ते जाएंगे जो बाहर से ऑर्डर हो रहे हैं. Because everybody can't afford a full-time cook at home. Yes. Nobody's home the full day at home. Yes. I understand these things. देखो इसके ना guys बहुत different school of thought हो सकते हैं कि हमें बाहर का नहीं खाना. देखो you can make an effort to stay healthy, stay fit. You are most welcome to do, but you got to work towards it. बाहर से आप ऑर्डर करने के लिए अब तो हेल्दी मील ऑप्शंस भी लोगों ने बना दी थी अगर आप अपना फूड टाइप है ना. बट जिस तरीके से आपकी जॉब्स डिमांडिंग है, आपका वर्क डिमांडिंग है, कुछ लोगों के लिए बहुत ट्रैवल इंटेंसिव रहता है. अब हम लोगों का भी आधा से ज़्यादा दिन बाहर ही जाता है. सो भाई लोग तो मेरी स्टोरी देख रहे हैं समीर भाई मैं तो पूरा खाना वाना लेके अपने लंच में डब्बे पैक करके निकलता हूँ. तो उसके लिए भी मुझे जल्दी उठ के 2-2.5 घंटा 3 घंटा एफर्ट करनी पड़ती है एक दिन में. 2 घंटे तो मेरी मिनिमम एफर्ट रहती. देखो आपके जैसे डिसिप्लिन ना तो 1% पॉपुलेशन भी नहीं है, मेजोरिटी पॉपुलेशन मेरे जैसे लोग हैं. मैं आई एम टेलिंग मतलब लोग स्कूल ऑफ थॉट की नहीं आया है आने वाले टाइम में हम बाहर से खाना खाएंगे. नहीं बाहर से खाना खाएंगे का मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रेवी इजी मंगानी है. फूड इट्स अ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी देखिए है ना. सो इफ द स्टोर एग्जिस्ट what Youengage is doing is empowering that store with that technology. Yes. So that people can access your store. Yep. Your data, your customer base remains with you. Yes. We are building you a whole time solution for you. Yes. So that you are कोई भी aggregator आके आपको ना जोड़े कि मैं एग्रीगेटर पे गया हूँ. एनी पॉपुलर एग्रीगेटर, एग्रीगेटर के हम नाम ले सकते हैं यहाँ पे? हाँ ले ही सकते हैं. देखिए हम सबको पता है जोमेटो है, स्विगी है, उबर ईट्स था. हाँ. राइट, ठीक है. आप एक चीज देखिए अगर एक रेस्टोरेंट मैं कहता हूँ महीने का
यू नो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो 10 लाख रुपए का बिजनेस भी करते हैं, मतलब जो जो रेस्टोरेंट्स अगर जोमैटो या स्विगी से मान लो नहीं जुड़ना चाहते हैं, मींस एंड दे वांट कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर ओन सेल एंड एवरीथिंग, तो यू एंगेज हैज मेड दैट डेवलप दैट सॉल्यूशन फॉर देम कि आपको उनको इतना परसेंट कमीशन नहीं देना है, ये नहीं देना, उसके लिए देयर इज द सॉल्यूशन, है ना। अगर जो ना जुड़े उसको भी कुछ तो हल चाहिए और डिजिटल जाना है। बिल्कुल, आप हर रेस्टोरेंट ओनर से तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि वो दे विल मेक एन ऐप, राइट, दे विल सेट अप एन आईटी थिंग एंड मेंटेन इट एंड डेवलप इट एंड पुट इन द न्यू मेन्यू, पुट इन द न्यू चेंजेस, रिवाइज द रेट्स, राइट। दैट इज वेयर यू एंगेज हैज डेवलप्ड दैट वन पॉइंट सॉल्यूशन आउटराइट यू, राइट। इसमें दो नोशंस हैं जो हम कंटिन्यूसली एजुकेट करते हैं पूरी इंडस्ट्री को। नोशन वन इज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपका रेस्टोरेंट 10 लाख रुपए महीना एक एग्रीगेटर से कर रहा है, दैट मींस कि आप हर महीने 2.5 लाख रुपए का कमीशन उनको दे रहे हो, राइट। दैट मींस कि आप पूरे साल में 30 लाख रुपए का कमीशन उनको दे रहे हो और ये आप सालों साल देते जा रहे हो, राइट। 30 लाख रुपए में आप खुद सोचिए कि बीइंग ए रेस्टोरेंट ओनर, आपके पास वो पैसा होता तो आप और कितनी अच्छी चीजें कर सकते थे, राइट। वन टू, ये नोशन है कि जब हम किसी को मिलते हैं तो रेस्टोरेंट वो पूछते हैं कि जब जोमैटो के पास लाखों रेस्टोरेंट हैं और उनके पास करोड़ों कस्टमर हैं, मेरी ऐप कोई क्यों डाउनलोड करेगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, राइट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रेस्टोरेंट ना एक बड़ा हाइपर लोकल बिजनेस है, राइट। ठीक है, एक रेस्टोरेंट अपने यू नो पेरिफरी से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से ऊपर बिजनेस नहीं करता है, कर भी नहीं सकता। Unless लोग आपके यहाँ खाने आते हैं, जैसे इन द डाइन आउट की हम बड़ी दूर कहीं खाने, हाँ, स्टिल डिलीवरीज की बात करें, मेजोरिटी जो ट्रेंड है वो ऐसा ही रहेगा, 5 किलोमीटर इज अ मैक्सिमम। मेट्रोज में तो ये रेडियस और कम हो जाता है, बिकॉज टाइम डिलीवरी का बढ़ जाता है, राइट। ठीक है, अब बीइंग वन रेस्टोरेंट, राइट, ठीक है, उसका आंसर ये है कि उस 3 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर में पहली बात तो करोड़ों लोग नहीं रहते हैं, करेक्ट, राइट, कुछ हजार लोग रहते हैं जो जोमैटो स्विगी से पहले भी आपको जानते थे, आज भी जानते हैं, राइट। ठीक है, क्या आप उनको बेटर सर्व कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, दैट इज वन पॉइंट। टू, यू नो एक कस्टमर के लिए, राइट, ठीक है, जो पब्लिक डेटा है कि वो एक एग्रीगेटर ऐप में जाके पूरे महीने में यूनिक 3.5 रेस्टोरेंट से ऊपर ऑर्डर नहीं करता है, तो क्या एक कस्टमर 4 ऐप्स रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है, राइट। अगर मेरे को वहाँ पे बेटर डिस्काउंट्स मिले, मेरे को बेटर वैल्यू मिले, मेरे को प्राइसिंग गारंटी मिले कि जोमैटो स्विगी से कम होगा, राइट, ठीक है, तो कस्टमर के पास भी पूरा मोटिवेशन है, रेस्टोरेंट के पास भी पूरा मोटिवेशन है, राइट, ठीक है। एंड ऑल्सो जब फिर से पूछा जाता है कि नहीं उनके पास तो करोड़ों कस्टमर हैं, राइट, ठीक है, तो मेरा फिर पॉइंट वो आता है कि उनके पास करोड़ों हैं पर करोड़ों आपके रेस्टोरेंट में तो लैंड नहीं कर रहे हैं ना, एब्सोल्युटली, राइट, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस एजुकेशन है, जैसे जैसे रेस्टोरेंट ओनर्स को ये क्लियर होता जा रहा है, ये मिसकंसेप्शन दूर होती जा रही है, तो वी आर गेटिंग मोर एंड मोर डिमांड टू डू इट। देखिए, मैं ये भी समझता हूँ इस बात से, मतलब कि आई थिंक एक रेस्टोरेंट ओनर की भी अपनी एक चॉइस है, बिल्कुल चॉइस है, देर इज व्हाट यू एंगेज कैन ऑफर, मुझे आपसे बात कर लग रहा है, दैट इज अ यूएसपी, मतलब दैट इज योर मेन थिंग। जिसने एग्रीगेटर के साथ जुड़ना है, उस में उतरना है, वो वहां जा सकता है, देयर इज नो वेल एंड फील, बिकॉज आई हैव सीन सिमिलर रेस्टोरेंट्स ऑल्सो बीइंग देयर ऑन द एग्रीगेटर एंड ऑल्सो being there, बिल्कुल बिल्कुल, उनका आज के डेट में गुजारा ही नहीं है। दिस इज अ यू नो डुओपोली विच वी वांट टू ब्रेक, राइट। अगर एक एग्रीगेटर आपको आके कहता है सर आप नहीं आओगे तो आपके पड़ोस वाला रेस्टोरेंट तो आ ही रहा है, राइट, तो यू बीइंग इन बिजनेस ओनर आप क्या करोगे? आप कहते हो यार मैं तो फंस गया, मेरे को जाना ही पड़ेगा। सो अनफॉर्चुनेटली यू नो इफ यू स्पीक विद रेस्टोरेंट ओनर्स, मेजोरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट्स दे डोंट अप्रिशिएट बीइंग ओवर देयर, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर स्टक ओवर देयर। Right. What is your take, Smir bhai, on discounting, on heavy discounting, right, on all these kind of discounting on food? Right. Matlab, benefit for the restaurant owner, matlab owner of the food business, and benefiting for the consumer. देखिए, end of day restaurant, you know, एक पूरा एक business है, right? ठीक है, तो बहुत साल तक तो Zomato Swiggy ने खुद उन discounts को fund किया है, because they had you know venture capital money, राइट, ठीक है, टू एक्वायर द यूजर, पर धीरे धीरे वो ऑलरेडी कम हो चुका है, राइट, ठीक है। अगर आप अभी नोटिस करेंगे तो आपको बहुत मिनिमल डिस्काउंट्स मिलते हैं, राइट, ठीक है, प्राइस इज इन्फ्लेटेड हैं, राइट, ठीक है। कंज्यूमर ऑनेस्टली एंड्स अप लूजिंग मनी, राइट, ठीक है। जो चीज़ अगर यू नो एक कॉफ़ी 170 रुपये में यहाँ पे आ सकती थी, वो आज के डेट में मेरे को 230 रुपये में पहुँच रही है,
राइट ठीक है, उसमें डिलीवरी चार्जेस भी हैं, उसमें कुछ हिडन चार्जेस भी हैं, राइट ठीक है, एज ए कंज्यूमर आई एम ऑलवेज लूजिंग. ऑन द अदर एंड रेस्टोरेंट ओनर के पास पहले कमीशन होता है, फिर उसको एड्स बाय करनी पड़ती हैं, फिर देर आर लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स, राइट ठीक है. तो दैट इज आई एम सेइंग वी वाई वी आर थ्राइविंग बिकॉज ये जो पूरी इक्वेशन है ये इम्बैलेंस्ड है, राइट. यहाँ पे तीन स्टेक होल्डर हैं, रेस्टोरेंट ओनर है, कंज्यूमर है, एग्रीगेटर है, राइट. कंज्यूमर कह रहा है मैं पैसे ज़्यादा दे रहा हूँ, रेस्टोरेंट कह रहा है मेरे पास मार्जिन कम बच रहा है, राइट. तो फिर क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, राइट ठीक है. तो आई थिंक वी ऑल आर स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट, राइट राइट. समीर भाई, आई हैव सीन यू गोइंग टू अ लॉट ऑफ जो भी स्टार्टअप मीट्स होती हैं पूरे रीजन की. यू हैव बीन अ कीनोट स्पीकर टू सो मेनी राइट ऑफ द इवेंट्स जहां आप जाते हैं. मतलब मैं मतलब वही है ना कि आप कहीं भी जाओ तो समीर भाई इज देयर समवेयर ऑन द स्टेज, ही इज देयर, ही इज टॉकिंग अबाउट क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ट्रेंड कहाँ जा रहा है, बिकॉज ही इज राइट देयर ऑन टॉप ऑफ द गेम. That's where I see him, and that's where he has always been. He's always been ahead of his times. जहाँ जिस टाइम में कोई भी एक चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप को बाय आउट नहीं कर सकता था, खरीद नहीं सकता था, वाइबल नहीं बना सकता था, he did it, sold it, started his new venture. Now even this is like on top of the game. अब पता नहीं अब मेहरबानी भगवान की कैसे रहेगी. तो आई थिंक यस, ये दैट्स ऑल थैंक्स टू गॉड, बट यस टचवुड कर लेते हैं, टचवुड कर लेते हैं, फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, चोटी मार लेते हैं, जो मर्जी कर लो. देखो अच्छी बात, देखो और हमारा क्या है कि जब भी हम बैठते हैं ना, आई थिंक हम बैठते किस पे, हम तो खाने भी नहीं बैठते हैं, बट यू नो आई डैड इज ऑलवेज टेलिंग कि समीर भाई को फोन करो, लाइक और भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. हम लाइक कि भाई जो फिल्म लिख रहा था एक महीने से उसको टाइम लगता है, मीन लाइक एवरी डे कोई कांड नहीं समथिंग, बट देन आई टेल हिम आस्किंग की व्हाट इज योर न्यू, इज लाइक बस बढ़िया चल रहा है. ऑफ कोर्स बिकॉज आपने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, देन यू वॉन्ट दैट टू रीच आउट टू मोर पीपल. सो समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट on which you are working, that needs to be developed, it needs to stabilize being used, then there is a feedback and then it grows. I think that's how technology works. Yes, that's right. Baki ke jo startups hain, jab aap, when you meet now the younger lads who are in their early 20s, who those who now come up with jo bade bade coined terms ke saath nahi aate, iske saath us din bhi hum baithe the to ek व्यक्ति मिले थे कि वो जब बड़ी बड़ी टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, भाई वो तो हमारे ऊपर से चली जाती हैं बातें. मतलब शायद पता नहीं क्यों, मे बी वी हैव आई थिंक पास दैट स्टेज ऑफ यू नो. नहीं देखिए, मैं आई गॉट अ पॉइंट. देखो, एंड यू टेल मी कि व्हाट डज द यूथ ऑफ टुडे, आई मीन यूथ, लेट मी टॉक पॉइंट ब्लैंक, यू नो अंडर 30, यू नो व्हेन यू आर जस्ट देयर, यू आर नॉट क्रॉस दैट बेल्ट की यू हैव सर्वाइव्ड इन अ बिजनेस फॉर मोर देन 5-6 इयर्स. देखो कोई भी चीज अगर आपने, जिसमें मुझे लगता है आप 3 साल नहीं टिक सकते ना, वो फिर नहीं चलने वाली. यू नीड टू चेंज योर पाथ और यू नीड टू रीवर्क ऑन योर आइडिया, है ना. आई थिंक इतना टाइम तो देना चाहिए आइडियली, 2-3 साल कितना टाइम बेस्ट रहता है. देखो ऐसा मतलब देयर इज नो डेफिनेशन टू इट, राइट. मोटा मोटा एवरेज, अब फिल्मों में मैं कह सकता हूँ अगर आप एक डेकेड सर्वाइव करके ना, तो 5 डेकेड आपके, एक डेकेड चाहिए, क्योंकि साल में आती है एक फिल्म है या दो फिल्में हैं. अब आपका करियर बनाने के लिए कम से कम 6-7 फिल्में तो चाहिए. वो 6-7 फिल्में सब बनती है 8 सालों में, तो एक डेकेड तो निकल ही जाता है, क्योंकि कहानी लिखने में 6 मिनट लग जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो देखो, यू नो वी आर मोर ऑफ इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स जनरेशन, राइट. यू नो हमारे केस में कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, राइट ठीक है, कि वी हैव ह्यूज मार्केट एक्सेस यू नो इंडिया में, ठीक है. वी हैव मोर एंड मोर अवेयर यू नो मर्चेंट्स हु कैन पे, राइट ठीक है. लेकिन ऑफ कोर्स उसका मतलब ये है कि मेरे जैसे बहुत हजारों लोग इस मार्केट में जंप कर रहे हैं, राइट ठीक है. तो उससे क्या होता है कि एक बहुत अच्छा कंपटीशन बिल्ट अप हो रहा है, यू नो विच कीप्स ऑन टोज. बहुत अच्छी बात, आई सी इट एज अ पॉजिटिव साइन, राइट. लेकिन इससे एक और चीज क्या होती है कि यू ऑल्सो हैव टू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग ऑल द टाइम, राइट. देयर यूज्ड टू बी एन एरा जब आप कहते थे कि मैंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, अब इसको हम 10 साल तक बेचेंगे, राइट. आई थिंक दैट एरा इज गॉन, राइट. इंटरनेट एरा हैज ब्रॉट इन अ न्यू एनर्जी इन द होल इकोसिस्टम कि आपको वो कंटिन्यूसली इवॉल्व करना है, दैट्स इट. अभी आप देखें ना कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सॉफ्टवेयर आता है, अपडेट्स आते हैं, वेबसाइट्स आप देखते हैं कॉन्स्टेंटली नई होती रहती है, एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट यू यूज इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कुछ ना कुछ नया फीचर, कभी रील्स आ गई, कभी कुछ आ गया, फिर सारे भीड़ उस तरफ चल पड़ती है. Yes, exactly. तो एवरी टाइम समथिंग फ्रेश और न्यू हैज टू कम, समथिंग दैट कैचेज योर अटेंशन, इट हैज इट्स ओन लाइफ स्पैन. कोई भी चीज बहुत टेक्नोलॉजी के स्तर पे ना बहुत लंबे अरसे तक
नहीं चलती है। आप कभी भी मार्केट जाओ, अगर मैं टीवी भी, समीर भाई एक ऐसी चीज़ है या फ्रिज है जो कि हम, मुझे लगता है कि हम फ्रिज तो खैर 10 साल में एक बार खरीदते होंगे, है ना, एक बार 8 साल में, टीवी हम आई थिंक 5 साल में 6 साल में, और मोबाइल फोन उससे भी छोटा। पर जो हम टेक्नोलॉजी, जो हम एप्स, जो हम वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं आज की डेट में, दे आर, वी आर एक्सेसिंग देम एवरी डे एंड वी सी कॉन्स्टेंट चेंज इन देम। यस, क्योंकि वो चीज एक हम है जो हम पर्सनल लेवल पे डेली एक्सेस कर रहे हैं। फ्रिज हम अपने घर का ही यूज करते हैं हम, ये तो नहीं कि रोज किसी और का फ्रिज खोल के चेक कर रहे हैं इसमें क्या फीचर है क्या है। क्यों, कार में भी हम देखने जाते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। अब हम गाड़ियों में बैठते हैं, वो पहले हमारा वेलकम करती हैं, क्यों भाई, है ना, और उसके अंदर वाईफाई है, इंटरनेट है, सब कुछ आ चुका है। अपने आसपास बाकी यंग स्टार्टअप्स को देखते हैं या यंग फाउंडर्स को देखते हैं या जो अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस कितनी है अभी? देखो, मेरे को लगता है अगर मैं ना इंडिया की बात करूँ, राइट, ठीक है, नहीं मैं इस रीजन की बात करूँ, इस रीजन में भी वो प्रिपेयर्डनेस बेटर हो रही है, राइट, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि देखो, अगेन वो सारा कुछ ना एक बच्चे का वॉक ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है, राइट, ठीक है। जब आपके स्कूल में ये बातें होनी शुरू हो जाती है ना कि स्टार्टअप करना चाहिए, राइट, ठीक है, तो ऑफकोर्स द किड स्टार्ट थिंकिंग, राइट। आपके कॉलेज में ये बातें हो रही हैं, आपकी सोसाइटी में ये बातें हो रही हैं। मैं इस बारे में ना पहले भी काफ़ी बार बोलता हूँ कि देखो, ह्यूमन माइंड को ना ग्लोरी समझ आती है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, राइट, ठीक है। सचिन तेंदुलकर हैपेंड इन इंडिया फिनोमेना, राइट, यू नो, this was a whole generation of cricketers which came in the picture, right, ठीक है, and look at, you know, what IPL has done, and you know, India is you know, on top of India में ही है ये सारा कुछ, yes, right, IPL, you know, ठीक है, but मेरा point ये है कि वो जो सचिन तेंदुलकर का वो जो glory हुआ social level पे, right, ठीक है, PR level पे, India level पे, international level पे, उससे हर parent का aspiration बन गया था कि मैंने अपने बच्चे को सचिन तेंदुलकर बनाना है, फिर मैंने अपने बच्चे को युवराज सिंह बनाना है, right, ठीक है। Similarly entrepreneurship में भी ये कुछ हद तक अच्छा भी हुआ, पर मेरे को लगता और होना चाहिए, राइट, ठीक है। वो अभी भी हमारे रीजन में वो इशू है, राइट, ठीक है, व्हेन पेरेंट्स से कि यू नो ये ट्राई मत करो, फेल हो जाओगे, राइट, ठीक है, एक सेफ पाथ ढूंढो ना, राइट, ठीक है। उनका सुना था, उनका बच्चा ये कर रहा था, उसकी देखो कितनी अच्छी नौकरी लगी है, राइट, ठीक है। वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हमारे रीजन में है, बट यस, अपसाइड इज कि यू नो वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पेरेंट्स की भी बढ़ रही है और वो बच्चे को भी पास ऑन हो रही है। बच्चा भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में डेवलप हो रहा है कि जहाँ पे यू नो इस बारे में बात हो रही है कि यार यू नो यू कैन बी जॉब क्रिएटर, राइट, ठीक है, यू कैन बिल्ड समथिंग, यू कैन एक्चुअली एम फॉर समथिंग बिग, राइट। इट्स नो लॉन्गर अबाउट कि बेटा आप इंजीनियर बन जाओ क्योंकि नौकरी मिल जाएगी, आप डॉक्टर बन जाओ बड़ा अच्छा पैसा मिलता है, ऑल दिस इज गुड, बिल्कुल है, हमें ये सब होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। यू हैव टू बी अ डॉक्टर, यू हैव टू बी एन इंजीनियर, यू हैव टू बी अ लॉयर, बट अगर आप खुद या आपका कोई दोस्त या अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, दे कम अप विद एन आइडिया, डोंट कट देयर विंग्स, एक बार सुनो, चांसेस आर इट मे वर्क ना बाबा। मैं तो यही कह रहा हूँ, आई थिंक हम ब्लेस्ड हैं, नहीं यार रिस्क हमने भी लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, हम फेल भी हुए हैं, मैं एडमिट करता हूँ, लॉट ऑफ फिल्म्स डोंट वर्क, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स डोंट वर्क, बट आप दोनों से बनते हो, आपके फेलियर से भी और आपके सक्सेस से भी। फेलियर से, फेलियर्स आर योर लर्निंग, राइट, एंड सक्सेस इज समथिंग दैट मोटिवेट्स यू, गेट यस व्हाट आई डिड वर्कड, नाउ आई हैव टू सक्सेस लेके जब भी डाल के थोड़ी मैं 15 साल बैठ। नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब आपने वो बिल्कुल पिन पॉइंट आपने कर दी वो चीज़, वो जो यू नो फियर टू फेलियर है ना, राइट, ठीक है, वो मेरे लगता है हमें बच्चे से दूर रखना है। एक्चुअली एक जनरेशन थी हमारे पेरेंट्स की, मतलब पेरेंट्स भी, मतलब दोज नाउ हु आर क्रॉस द एज 60 आई वुड से, राइट, कि और खासकर वो जो टीयर वन सिटीज़ में इंडिया में नहीं रहे हैं, मतलब कोई दिल्ली में, बॉम्बे, बैंगलोर या कुछ सिटीज़ में रहे हैं, दे हैव बीन हेयरिंग दिस वर्ड न्यू कंपनी पहले ये, मतलब समझ में, व्हेन वी वर इन ग्रेजुएशन, यू नो आई रिमेम्बर दैट टाइम, स्कूल लेवल पे तो कुछ नहीं था, 12वीं के नंबर पार किए, पास हो गए, yes, yes, है ना, और उसके बाद एडमिशन लो, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, वी हैव बीन इन दैट लूप, राइट, वी बोथ आर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंसेज, राइट, सो वो एक कंप्यूटर साइंसेज को सबसे आईवी लीग
लाइन माना जाता था, है ना? Probably. नहीं नहीं, उस टाइम में जब हमारी रैंकिंग्स आती थी ना, मतलब ईआई ट्रिपल ई की, आईआईटी की, तो वो जो बेस्ट लॉट होता था ना, मतलब जो टॉप रैंकर्स का, वो उस टाइम का चाल चलन यही था कि हाँ, पर ये शायद कि मैं नलायक बच्चों में से हूँ, तो नहीं, मैं नहीं, नहीं आपको काउंट करूंगा, पर ये सा आप थे आई नो, बट जो वेव जो हम एक ना नॉर्मल वेव है कि जो टॉप रैंकर्स थे ना, वो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लेते थे, और जो जिनकी रैंक थोड़ी बहुत डाउनसाइड या मीडियोकर आती थी और फिर भी बहुत मतलब ऑल इंडिया लेवल पे अच्छी थी, वो सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हैं, मैकेनिकल ले रहे हैं. आप देखना ना, एक बड़ा नहीं सोचता था कि ऑल इंडिया रैंक जो स्टेट रैंकर था, अगर उसकी रैंक 10 आई होगी तो वो मैकेनिकल लेके बैठा है. बड़ा रेयर था उस टाइम में, है ना? तो यार तब जैसे हम सोचते थे यार, उसके बाद जैसे आई हैव डन मतलब MBA भी किए, बिजनेस स्कूल में भी गए हैं, बी स्कूल जिसको, बिजनेस स्कूल अब बी स्कूल हो, ठीक है, right. और मैं सोच रहा हूँ कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ई स्कूल का होंगे तो वो भी हो गए हैं ई स्कूल, है ना? तो तब ना ये स्टार्टअप और ये एंटरप्रेन्योर वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब मुझे लगता था कि एट दैट टाइम व्हेन वी न्यू कि आइदर आप जॉब करोगे या आप बिजनेसमैन होगे, बस ये दो आइटम होती थी. आप खुद का घर से मतलब मॉम डैड से कुछ बिजनेस लेके आपने फैक्ट्री डाल ली, आपने काम किया, और या आप यू गो, आप प्लेसमेंट्स में बैठो एंड यू गेट अ जॉब, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर करियर. बिकॉज एक्चुअली हमारे पास ना, अब तो बहुत जनरेशन अवेयर है, पेरेंट्स अवेयर है, एट दैट टाइम कन्विक्शन लेवल वॉज वेरी डिफरेंट. आई थिंक मेहनत का कन्विक्शन फॉर्चुनेटली मैं अगर बोलता था कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आई हैव टू सेट अप समथिंग, तो आई एम नॉट इमेजिन 1 लाख रुपीज में तो मेरा एक स्टैंड भी नहीं आता होगा यार, मतलब इक्विपमेंट ही नहीं आता होगा. मैं उनको प्रोजेक्शन बना के देता जी, इक्विपमेंट ही जी 2 करोड़ का हैगा, तो ये भी इन्हें का हैगा है, फिर ऑफिस स्पेस देना हैगा है, वो पूरी प्रोजेक्शन बना देते और फिर कहेंगे कि यू बेटर डू अ जॉब. राइट राइट. नाउ Things are way different. Right. अब मैं पहले सोचता था कि बिजनेसमैन वो होता है जो घर से करता है, और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो जिसको फंड मिल जाता है. अब ये फंड कहाँ से आने वाला है, तो ये चीजें आई थिंक एक डेकेड में ये टर्म्स कॉइन हुई. बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ. मैं वही कह रहा हूँ, मेरे तो सिलेबस में भी नहीं थी ये चीजें, मतलब हमने बुक्स में पढ़ी नहीं, किसी का भी नहीं था, किसी का भी नहीं था. मैं तभी कह रहा हूँ, तो जो करंट जनरेशन है, यू नो, किड्स वर्न, अब तो गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ स्टार्टअप प्रोग्राम, स्कूल में ATL लैब्स आ गई हैं, करेक्ट, मतलब नाउ बच्चे फ्रॉम क्लास 6th 7th दे टॉक अबाउट इनोवेशन, है ना? तो मैं, मेरा भी मेनली ये पॉइंट था कि यू नो, पेरेंट्स को अपने बच्चे को इस चीज़ से बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंट करो कि ना करो. बिकॉज देखो, स्टार्टअप्स में आप कई बार इतने अनचार्टेड एरिया में एंटर कर रहे होते हो कि सक्सेस की गारंटी नहीं है, फेलियर की प्रॉबिलिटी बहुत हाई है, राइट? ठीक है, लेकिन यू नो वॉट इज अ हार्म, राइट? ठीक है, इज इट एंड ऑफ द वर्ल्ड? नो, लेट द किड ट्राई, राइट? ठीक है, यू नो, उसको जैसे आपने बताया ATL लैब्स हैं, राइट? ठीक है, रोबोटिक्स के बहुत एक्सपेरिमेंट बच्चा स्कूल में कर सकता है, राइट? ठीक है, बहुत सारे लोकल फंड एक्सेस हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, सीड इन्वेस्टर्स हैं, पीपल हैव बिकम वेरी ओपन माइंडेड, की कोई बात नहीं, राइट? ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट. ऑफकोर्स यू हैव टू बी रीजनेबल, इट जस्ट कांट बी लाइक कि ओके यार, मैंने पैसों को आग लगानी है, तो फिर तो अभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. बट यस, मेरे को लग रहा है कि एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली, यू नो, एज पेरेंट, हम लोग को बहुत मेजर रोल है टू नर्चर दिस करंट एंड नेक्स्ट जनरेशन, कि आप बढ़ो आगे, डोंट वरी, यू माइट फेल, इट्स ओके, वी आर देयर फॉर यू, राइट? ठीक है, नहीं तो आप खुद देखिए कितने सुसाइड होते थे, लोग इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे. अब रिसेंटली कोई सुसाइड किसी ने अनफॉर्चुनेटली किया बिकॉज IAS एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया, मतलब वो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट? ठीक है, सो मेरे को लगता है वो जो यू नो फियर फॉर फेलियर है ना, हमें एज ए सोसाइटी उसको बहुत खत्म कर देना चाहिए, यू नो, फॉर द होल जनरेशन. दैट्स ओनली ए वे दैट वी कैन थ्राइव एंड ग्रो एज अ सोसाइटी, एज अ जनरेशन, एज अ रीजन, राइट? एज अ स्टेट, राइट? आई एम प्रीटी श्योर, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, राइट? आई थिंक यू नो, इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस, यू नो, देयर आर एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज. तो आई थिंक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि एक पूरी जनरेशन है जो कि अवेकन हुई है, एंड ग्रेजुअली मोर स्टार्टअप्स विल कम अप, मोर न्यू ideas will come up. Let's not use the word startup for everything. हर कोई startup पे बात करता है तो वो मुझे लगता है कि कोई चीज़ overly common हो जाती है ना, तो वो अपनी essence भी ना कहीं lose कर जाए. कहीं ऐसा नहीं feel होता आपको कभी कभी? नहीं, हो सकता है, हो सकता है, कोई ऐसा नहीं. एवरीबॉडी कम्स अप, मैं एक स्टार्टअप, मैं एक स्टार्टअप, मैं एक स्टार्टअप, सारे ही स्टार्टअप है, मतलब या तो आपका वर्ल्ड ऐसा हो जाता है. राइट राइट राइट. अच्छा, व्हाट इज योर थॉट ऑन, जस्ट क्विकली, व्हाट इज योर थॉट ऑन हाउ स्टार्टअप शुड आइडियली बी
marketing themselves, because I feel when they are too much, matlab, what is your thought on it? Let me not give it a thought. Honestly, as a startup, we are also improvising every day, right? You know, and being a bootstrapped startup, you know, हम बहुत कम बजट्स के साथ कई बार ग्रो किए हैं, राइट? एंड यू नो, व्हाट इज योर मेन फोकस बीन, प्रोडक्ट और शोइंग हाउ इट वर्क्स? सो हमारे लिए पर्सनली, राइट, ठीक है, रेफरेंस मार्केटिंग हैज ऑलवेज वर्क बेटर, राइट? यू नो, सो वन क्लाइंट रिकमेंडेड अस टू अदर वन, यू नो, द अदर वन कनेक्टेड अस टू 10 मोर क्लाइंट्स, राइट? यू नो, सो आई थिंक आवर प्रोडक्ट, आवर प्लेटफॉर्म हैज एक्चुअली यू नो गार्नर्ड दोज रिव्यूज, कि लोग अपने आप उसको स्प्रेड करते गए, राइट? ठीक है, नथिंग वर्क्स बेटर देन वर्ड ऑफ माउथ. यस यस, फॉर अस इट हैज वर्क, राइट? कहीं किसी में ऑफकोर्स वो नहीं करेगा, राइट? ठीक है, एंड और स्पेशली अगर आपने वेंचर कैपिटल मनी लिया है, तो यू विल ऑलवेज बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर कि आपको क्वार्टरली इतना ग्रो करना है, ईयरली इतना ग्रो करना है, राइट? ठीक है, देन यू नो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन मार्केटिंग, राइट? यू नो, वी हैव सीन एग्जांपल्स इन द पास्ट कि बहुत बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए, बड़ा कुछ किया गया, राइट? ठीक है, ऑफकोर्स इफ यू कैन अफोर्ड इट, प्लीज डू दैट, राइट? ठीक है, बट अगेन वो भी आपने करना है. For us, you know, a lot of inbound marketing works, right? A lot of referral networks works, right? You know, so India mein, I think, ye do channel important hai, right? Okay. Hum marketing karte hain, but we don't believe ke wo hamare particular vertical ke liye itni zyada healthy hoegi. Important hai. Right, you know, so, you know, I think if, as a platform, first of all, if we believe ke hum koi pain point solve kar rahe hain, और एक्चुअली वो सॉल्व हो जाता है और सीमलेसली हो रहा है, एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर, पीपल यू नो वुड रिकमेंड यू. लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो यस, ठीक है, आप हमेशा एक उस जोन में रहोगे कि आपने यू नो पैसे खर्च के क्लाइंट एक्वायर किया, राइट? ठीक है, पहले वाला छोड़ गया, अब फिर नया लेके आ रहे हो, पहले वाला छोड़ गया, तो वो साइकिल फिर आप लंबा नहीं चला पाओगे, राइट? ठीक है, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, अगर आप अग्रेसिवली पैसे खर्च के मार्केटिंग कर भी रहे हो, तो पहले प्लेटफॉर्म आपका यू नो अच्छा होना चाहिए, राइट? चलता होना चाहिए. अच्छे का मतलब ये नहीं है कि इट शुड यू नो बी वेरी फ्लैशी, इट शुड बी वर्किंग, इट शुड डू व्हाट इट इज इंटेंडेड टू डू, राइट? यू नो, सो वो बेसिक्स भी कई बार फॉलो नहीं हो पाते हैं, राइट? ठीक है, तो अदरवाइज वर्ड ऑफ माउथ से बेटर कुछ नहीं है, राइट? ठीक है, एंड यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई थिंक आपसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं है, राइट? ठीक है, यू शुड नेवर शाय अवे फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट योर स्टार्टअप, योर आइडिया, राइट? यू नो, ठीक है, अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर वो नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे को लगता है दैट्स यू नो दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. मैं क्विकली तीन सवाल पूछूंगा, आपने मुझे चॉइसेस में आंसर. हाँ जी, हाँ जी, बताइए. ठीक है, इकोनॉमी के स्केल पे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली या चंडीगढ़, व्हाट इज योर चॉइस? इकोनॉमी के स्केल पे हमारे बिजनेस में वी आर एबल टू क्रैक इट फ्रॉम हियर. आंसर ठीक है. क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में डेफिनेटली चंडीगढ़, डेफिनेटली चंडीगढ़, एनी डे चंडीगढ़. व्हाट इज योर प्रेफरेंस, होम डिलीवरी या डाइनिंग आउट? होम डिलीवरी दीस डेज, बिकॉज़ यू नो आई हैव अ स्मॉल किड, अदरवाइज डाइन आउट. या डाइन आउट. या एंड यू प्रेफर ड्राइविंग द कार और यू प्रेफर बीइंग ड्रिवन? आई लाइक ड्राइविंग द कार मोस्ट ऑफ द टाइम. गुरदासपुर और चंडीगढ़? गुरदासपुर इवेंचुअली. इवेंचुअली या चलो, आई मीन समीर भाई इज ओवरक्राउडेड विद वर्क, पीछे से बहुत प्रॉम्प्टिंग आ चुकी हुई है कि वी हैव लाइक सम वर्क, वी हैव सम वर्क, वी हैव मोर मीटिंग्स हैपनिंग. बट समीर भाई, फॉर ऑल द ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग, यू आर एम्पावरिंग लोकल बिजनेसेस विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, विद यू नो देयर ओन, ताकि वो अपना डेटा खुद मेंटेन करें, यू आर गिविंग देम वेल क्राफ्टेड app, softwares, you know? Right. And you're also guiding a lot of youngsters, a lot of forums, right, on how to successfully start, right, manage, and then sell your startup. I think because you have been successful in that. Yes. So okay, us level tak. Selling. Okay, one question more reh gaya. Tridil or YouEngage? No, I think this both are babies, but yeah, YouEngage now. YouEngage now. You're focusing on the younger baby now. Yes. ठीक है. So, ये आपके लिए, आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं. So we have hampers from our partners, from Aroma Musk, to Sameer. Great. ठीक है. Perfected by nature. Thank you and so much. And then we have one hamper from Elisto's. Wow. To Sameer bhai. Thank you, Elisto's. है ना? Thank you so much. Aroma Musk. Great. जी.
जी इज ऑलवेज सो फ्रेशिंग टू मीट यू बिकॉज देखो हम लोग सारे टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से राइट ठीक है सो वेन एवर आई मीट यू आई गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट अ न्यू करियर अपॉर्चुनिटी एंड अ न्यू इंडस्ट्री राइट विच इज वेरी फ्रेशिंग फॉर मी एटलीस्ट सो प्लीज कीप स्प्रेडिंग दिस यू नो ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी है ना मेरी और समीर भाई की बातें यूं ही चलती रहेंगी और आप सभी लोग देखते रहिए आरएफई अनप्लग्ड रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे मैं हूं यशस्वी शर्मा और मेरे साथ हैं समीर शर्मा और आप हमें देख रहे हैं रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे यूं ही हमारे प्रोग्राम्स देखते रहें हम मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ थैंक यू